मेगावाट की जरूरत है, कहीं से तो एनर्जी लानी है। या तो आप अपने इस भूख को कम कर दें कम कर तो ठीक है, ये भी एक तरीका है भूख को कम किया जाए, या दूसरा है कि अगर ले आना है तो फिर आपके अलग अलग रिसोर्सेज, जैसे वो रिसोर्सेज है नॉट रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, जैसे फॉसिल है, सोलर है, विंड है, सब लोग बात तो कर रहे हैं बायोमास। अभी जैसे राजीव जी कह रहे थे ना कि प्रॉब्लम है क्या लैंड का तो नहीं, एक्वायर करने वाली बात तो नहीं, पर आपको मैं बता दूं जो ये सब कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत कम लैंड की जरूरत होती है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट या थर्मल के 1 से 4 स्क्वायर किलोमीटर में हो जाता है, लेकिन सोलर फार्म के लिए 20 से 50 स्क्वायर किलोमीटर की जरूरत है, विंड फार्म के लिए 50 से 150 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत है, और बायोमास की बात करती है तो 400-600 किलोमीटर स्क्वायर की। तो आप उस तरह से अगर देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रयोग में लाया जाए तो अच्छा रहेगा। आलोक जी बताएं, आलोक जी जब आपने पूरी बात कही, आपने ये बताया कि हमें इतनी एनर्जी की जरूरत होगी, परंतु अभी भी सरकार ये विश्वास नहीं दिला पा रही है कि जिस एनर्जी की हमें जरूरत होगी इतनी जमीन लेने के बाद भी, और वो भी एग्रीकल्चर लैंड, वो लेने के बाद क्या वो ऊर्जा प्रोवाइड करवा पाएंगे, पूरे जो प्रोजेक्ट हमारे अब तक जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो विश्वास दिलाया गया, जो वायदे किए गए, क्या वो वायदे पूरे हुए, ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? राजीव लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि जो जो प्रोजेक्ट से आश्वासन दिए गए कि इतनी ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा की समस्या खत्म हो जाएगी, वो अब तक नहीं हुए हैं, और फिर जहां बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर करके इस तरह के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। पानी की बात अगर करें तो पानी जहां है नहीं, कचरे को निपटारे का कोई साधन है नहीं, और जो सबसे सुंदर बात आपने भी कही कि क्या ऊर्जा की जरूरतों को कम किया जा सकता है, हम उस उधर जाने के बजाय लगातार ये ध्यान दे रहे हैं कि इसको किस तरह प्लांट लगाया जाए जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं है, लोगों से पूछा नहीं जाता है, इस तरह की बात कह देना कि बाकी ऊर्जा से ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, विस्थापन ज्यादा होगा, अगर वो सुरक्षित होगा तो हो सकता है विस्थापन थोड़ा लोग स्वीकार भी कर ले, परंतु आसपास के लोग सुरक्षा के खतरों में रहे, बिल्कुल डरे हुए रहे, सहमे हुए रहे, और फिर आप कहें कि ऊर्जा मिलेगी जो 10-20 साल बाद मिलने की उम्मीद है, और फिर कितनी कितनी लाइफ होगी इस तरह के प्लांट लगने के बाद, कितने साल तक चलेंगे, वो सब सवाल भी तो। जी जी डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत सारे सवाल है इसमें, जो बेसिकली कितने साल चलेंगे वो तो नॉर्मली हम लोग 30 साल तक मान के चलते हैं कि ये पावर प्लांट्स ऑपरेट करेंगे, पर मेन प्रॉब्लम जो मुझे जो अब दिख रहा है ये है कि आप जो कह रहे हैं ना राजीव जी की लोगों को हटा के लिया जाए, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि लोगों की जो जीविका है उस पर तो हमें नहीं वार करना चाहिए, अगर उनकी जीविका पे अफेक्ट आ रहा है तो वी शुड लुक फॉर सम अदर अल्टरनेटिव, दैट आई एग्री कि हम लोग कहीं और प्लांट को लगाएं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये ग्रीन एनर्जी है, ये तो ये भी आपको एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दूं कि एक थर्मल पावर प्लांट के लिए आप कभी नहीं हल्ला करेंगे, लेकिन एक न्यूक्लियर शब्द ऐसा आते नहीं कह सकते, नर्मदा आंदोलन इस देश का विस्थापन के विरुद्ध विस्थापन भी हुआ है उसमें, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मैं वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने वेस्ट की बात की जिक्र की, इसलिए हमने सोचा आपको बता दूं कि एक थर्मल पावर प्लांट से जब 100 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट लीजिए, 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लें, तो जो कोल से 44,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, 22,000 टन नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, 3,20,000 टन ऐश निकलते हैं, उस ऐश में 400 टन हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिसिटी टॉक्सिक मेटल्स, और उसमें यूरेनियम भी होता है जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और आप ये मत भूलिए कि 6 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है। हम दोनों के नुकसान की बात कर रहे हैं, जैसे आपने थर्मल प्लांट की बात की तो इससे वातावरण बहुत ज्यादा दूषित होता है, अगर हम न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो डर ये है कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी जानी जा सकती हैं। गुजरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सजेस्ट किया गया है कि इंडिया में अगर न्यूक्लियर प्लांट्स लगते हैं आगे और लगते हैं तो उनको जो कोस्ट लाइन है उसके साथ लगना चाहिए, दैट इन केस ऑफ एक्सीडेंट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, डू यू सी दैट एज अ सॉल्यूशन? हाँ, एक तरीका ही हो सकता है, परंतु मुझे इसके आगे मामला लगता है, जब मैं लोगों की और मासेस की बात करता हूं तो मुझे लगता है इस देश के नागरिकों से एक बड़ी बहस चलाए बिना लगातार अंधे होकर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर प्लांट लगाने की यहां और वहां होड़ लग जाए, और फिर होड़ इस बात की नहीं है कि कहां लगना चाहिए, होड़ इस बात की है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री दावा करता है कि हम यहां न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहे हैं, हम विकास के प्रतीक बन गए हैं, जो ये होड़ है इसमें लोग कहीं नहीं है, पूरे देश की किसी तरह की समस्या बीच में नहीं है, ये बिल्कुल इकोनॉमिक इकोनॉमी का एक तरीके एक मॉडल विकास का जो बनाया जा रहा है, सवाल उस पे है।
अगर हो सकता है देश की जनता के बीच में बात आए और ये स्वीकार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उस जगह लगने पे कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरिया में लगने पे कि सुरक्षा भी रहेगी, ज्यादा विस्थापन भी नहीं होगा, तो हो सकता है देश की जनता ये कहे। मैं इस पे कोई बहुत अधिक वो राय नहीं दे सकता हूं कि इसके जो खतरे और इसके एक न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो लोगों के दूसरे सवाल हैं उनको अनदेखा करके कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपके हिसाब से घूम फिर के बात राजनीतिक फायदों पर ही आ जाती है? राजनीतिक फायदा इस देश की जनता का, राजनीतिक फायदा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। राजनीतिक फायदा इस देश की जनता का तब होगा जब इस देश की जनता के बीच में इस देश की राजनीति और आर्थिकता को तय करने वाले मुद्दों को समाज के बीच में विचार किया जाएगा। वो देश की राजनीति है जिस राजनीति से देश की जनता को फायदा होगा। और ये एक इशू गोरखपुर में शायद उतना आंदोलन चला नहीं है, आपने दो जगह का जिक्र किया गोरखपुर तमिलनाडु के कोडकलम का, परंतु जैतापुर में इससे पहले इससे बड़ा आंदोलन हो चुका है जहां गोलीबारी भी हुई और जाने भी गई। तो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, देश में बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कभी भी सरकार ने ऐसा सुनिश्चित नहीं किया कि इस तरह के जो दूसरी आर्गुमेंट देने वाले हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके साथ बैठकर देश की जनता के सामने सुनिश्चित किया जाए। अभी देश में अन्ना हजारे का आंदोलन लोगों ने देखा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों ने आंदोलन किया तो उनके साथ बात हुआ, वो उचित बात थी, सरकार को करना चाहिए तो बहुत पहले। इसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी के सवाल पे जो लोग लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ देश के सामने चर्चा होनी चाहिए और देश जान सके किसी भी हालत में। जैसे आपने एक्सरे का और रेडिएशन का दूसरी चीजों का इस्तेमाल बात कही, सभी तो कहते हैं ना, गांव गांव में आदमी जानता है कि देखिए बहुत बार एक्सरे करवाएंगे तो नुकसान होगा, वो इसमें इससे भी डरता है। वो अपना नुकसान और फायदा तब तोल रहा है कि मुझे ये करवाए बिना काम चल सकता है सकता या नहीं। इसमें अगर आप तोलने का अधिकार जनता को नहीं देंगे तो फिर ये नहीं हो सकता कि ऊर्जा ऊर्जा और विकास विकास। और मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर श्रीवास्तव, जो ये सजेशन है कि न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कोस्ट लाइन के साथ बनने चाहिए, उसके साथ आप कितना? देखिए मतलब अगर एनवायरमेंटल इश्यूज ले तो नेचर का सबसे अच्छा तरीका कोई भी टॉक्सिसिटी को कम करने का डाइल्यूशन। एक बहुत बड़ा डाइल्यूटिंग बॉडी अगर अपने पास है तो डेफिनेटली, अगर कल एक्सीडेंट होता है तो डेफिनेटली एक इतना बड़ा वाटर बॉडी तो वो तो डाइल्यूट तो करेगा ही। लेकिन एक याद रखे कोस का मतलब एक ही साइड है, दूसरे साइड भी तो है, मगर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उन न्यूक्लियर प्लांट्स को सबसे ज्यादा खतरा नहीं होगा? वॉर लाइक सिचुएशन में तो नॉर्मली हम लोग के पास तो वो रहता ही है, डिफेंस का तो रहता ही है, जहां भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस होते हैं हम लोग के पास एंटी एयरक्राफ्ट। बट वो चीज़ वो एक इजी टारगेट, इजी टारगेट तो रह सकता है जरूर, यानी कि और उठता है जब कोस्टल एरिया में होगा तब किस तरह पानी को दूषित होने से इसका किस तरह का मामला चलेगा। और फिर जो आपने दूसरी चीजें कही कि कचरा जो है वो ज्यादा पैदा करेगा और उसका क्या होगा, परंतु सवाल ये कि कचरा न्यूक्लियर प्लांट का जो कचरा होगा उसको दबाने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए रिसोर्सेज कितने खर्च होंगे, खर्चे की वैल्यू कितनी होगी, उसके दबा देने के सुनिश्चित कर देने के बावजूद खतरे जो है कितने ज्यादा बने रहेंगे ब्रेक्स दूसरे तरह की ऊर्जा के, वो सवाल उनसे भी हमें कहने के। राजीव जी उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट की पिछले 20 साल में जो भी रिसर्च हुआ है उससे आज हम जो 1000 मेगावाट प्लांट का जो वेस्ट है उसको हम कॉम्पैक्ट करके, पहले हम लोग को 3000 क्यूबिक मीटर लगता था, अब हम उसको 30 क्यूबिक मीटर तक ले आए। तो अगर जितना कम होगा, और वेस्ट डिस्पोजल का काफ़ी हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है और अब हम लोग को काफ़ी मालूम हो गया है कि कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, तो इतना विश्वास तो करना ही चाहिए। खाली परेशानी उस दौर में विश्वास करना चाहिए जब सारे के साथ, जब मतलब लगातार हम देखते हैं कि इसरो के मामले में जो पिछले दिनों बात उठी उसको हम देखते हैं और लगातार बफोर्स का सवाल हम देख चुके हैं, जहां डिफेंस के और बिल्कुल सीधे लोगों की सुरक्षा का सवाल है उन पे हमारी रिसर्च के बावजूद हम कहां खड़े हैं, हमारी पूरी मशीनरी कहां है। यही तो आपकी बात में लेके वहीं से शुरू करता हूँ कि जो कॉमन जनता है या देश की जनता जो है उसे, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को जाना चाहिए उनके पास, क्योंकि वो हमें पर हमारे पर विश्वास करके, मैं टीचर हूं, हो सकता है क्योंकि जो स्पोक्स पर्सन उस पर न विश्वास करे, तो हमें, मैं तो फैक्ट्स देने ही, हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते हैं न्यूक्लियर साइंस के बारे में, और अगर आप लोग चाहें तो जरूर हम लोग बताएंगे और फिर जनता जैसा चाहे डिसाइड करे, हम लोग फैक्ट्स बता सकते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे पास वक्त की कमी है इस वक्त, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी दोनों से कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि हमें अपनी जो एनर्जी स्ट्रेटजी है उसके बारे में दोबारा उसके ऊपर सोचने विचारने की जरूरत है? एनर्जी स्ट्रैटेजी बहुत ही डाइसी सा मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि स्ट्रैटेजी जो है वो तो कोई और डिसाइड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हम तो बेसिकली हम लोग तो जनरेट करने वाले हैं, आप जैसा डिमांड
डालेंगे उस हिसाब से हम रिसर्च करेंगे और जल्दी और एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग टेक्निक्स के ऊपर काम करके इजाद करने की कोशिश करेंगे, पर जो पॉलिसी डिसीजन वो हम लोग के ऊपर तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा मुश्किल है मुझे कहना है। जो आपने कहा कि ऊर्जा के पूरे सवाल पे विचार करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है मुझे लगता है, और ऊर्जा पे नहीं, इस देश के पूरे विकास के मॉडल पे सवाल करने की जरूरत है, उसको नई सोचने की जरूरत है। और फिर जैसे आपने कहा कि एनर्जी की मांग, क्या इस देश में लगातार उपभोक्तावाद और ग्लोबलाइजेशन और लिबरल इकोनॉमी के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मांग भी पैदा की जा रही है? मांग जो है नहीं उसको बताया जा रहा है, वो पैदा की जा रही है, और उसके बाद फिर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, और उनका कितना फल होता है। नर्मदा का आंदोलन इस देश का बहुत पुराना और लंबे समय से चलने वाला आंदोलन है, वो अपने आप में बहुत सारी चीजों पर सवाल खड़ा करता है कि जिसके लिए नर्मदा बांध बना और सैकड़ों गांव और लोग उजड़ गए हजारों लाखों की तादाद में, क्या वहां तक वो ऊर्जा और वो पानी पहुंचा? अगर जब तक हम उसको नहीं जांच लेते, उन सवालों को नहीं देख लेते, तब तक विस्थापन के सवाल को छोड़ भी दें, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, तब भी उस पर विचार करने की जरूरत है कि विकास का पूरा मॉडल क्या हो, हमारी पूरी जीवन क्या हो, उसमें ऊर्जा की स्थान क्या होगी, हमारी मांग क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक आप कहीं बैठकर मांग पैदा करें, बताएं कितनी मांग है और फिर उस मांग के लिए कुछ। मुझे अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। गोदा जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोस। इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, टू स्टे विद अस। Welcome back. With 20 more bodies recovered in quake-hit Sikkim since last night, the toll in Sunday's quake mounted to 73 today, with a total of 100 dead. There are fears that the casualty could go up further as the rescue parties were yet to reach about 15 major villages in worst-hit North District. Meanwhile, even 3 days after the devastating earthquake struck, rescue and relief teams are still trying to reach thousands of people trapped in remote areas. Rescue operations remain the biggest challenge as rain and landslides are severely hampering the efforts, and bad weather is not allowing helicopters to land. While road connectivity to one of the worst affected areas of Mangan in Sikkim has been restored, some other badly hit areas continue to remain inaccessible. Congress General Secretary Rahul Gandhi assessed damage and relief operations, while Home Minister P. Chidambaram is scheduled to visit tomorrow. सब जानते हैं कि भूकंप के कारण से बहुत बड़ी जान माल का क्षति हुई है। मेरे अनुमान अनुसार 1,00,000 करोड़ की क्षति हुई है। 68 आदमी की मृत्यु हुई है। 300 से ज्यादा घायलों को उपचार अस्पताल में हो रहा है। आप कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। राहत शिविर चारों जिला में स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष चारों जिलों में स्थापित किए गए हैं। वेल्यू राहुल गांधी जी विजिटेड सिक्किम टुडे एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल टू हिम एंड वी आर होपफुल। ही हैज ऑलरेडी मेड दिस अनाउंसमेंट टू हेल्प टू द victims of Sikkim and the government of Sikkim. And next is, we are trying to assess actual damages in Sikkim. Within 10 days, we will complete the all assessment, and after that, we will submit the report to the central government accordingly, and we will ask special package